आज मेरी नवी जिंदगी थी पहली सुबह। अस्सलाम वालेकुम। ना ते लाशां डिगियां ने ना पिंड नूं अग लगी है। आई वॉन्ट टू गो डिन विद अ बैंग। मैं एक धमाकेदार एंट्री चाहनी हाँ। अगर मैनू कदी जान भी देनी पै गई ना तो मैं पिछे नहीं हटांगा। हुमा ने सानू किसे पासे दा नहीं छड्या। नदीमा दी शादी च गए सी, लोकां ने किन्नी गल्लां नहीं कीतियां मेरे नाल, समीना नाल। पुत्र तू दो चार दिन दे विच आ जा, वरना सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा? गल है के मैं ये रोल हुमा नूं ऑफर किया सी, उन्हें इनकार कर दिता है। इनकार कर दिता सी? हाँ, उहदा कहना सी कि ड्रामे च मेहनत ज़्यादा ते मुआवजा घट ने। हुमा ने बड़ा बुरा किया, मगर इहदे च कसूर जुबैदा का भी है। वेखना मैं उन्हें किन्ना समझाती सा कि धी नूं इहने ढिल नहीं देनी चाहीदी। एक धी की तबाही तो दूसरे की खुशी कहड़ी माँ खुश हो सकती है? समीना की खुशी तो हुमा का गम भारी है मेरे लिए। मैं अज तक वो मकाम नहीं मिल सकया इस फील्ड च जिसकी मैं हकदार थी। जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। तू यह सीरियल ऑन एयर जान दे, उस शो बिजनेस दी सुपर स्टार कहलाएगी। हुण तो कुछ सुनन ते दिल नहीं करता, इत्थे एक कैसेट पे वेखी तो दिल मचल गया। नाले साडे घर च हुमा कैसेट वेखदी तो कदे भी बर्दाश्त ना करती, वह तो कैसेट प्लेयर ही तोड़ छड़दी। तो फिर वो मैनू कितने बर्दाश्त कर दी, कर तबाह कर देनी मैं। ओया नहीं जानती कि चौधरी फिरोज चौधरी अली हमजा का निक्का भरा है, तो वह भी हुमा नू पसंद कर दिया है। आजकल अमेरिका चो ए गल चौधरी अली हमजा नू भी नहीं मानी। ऐ ते बड़ी खतरनाक गल हो गई है। बस जदों पानी बाजार च मिलदा होवे ते घर विच खूह खोदन दी की लोड़ है? नहीं बुजुर्गो, मैं सारी जिंदगी बड़ी इज्जत आबरू नाल गुजारी है, हुण मैं व्याह कर रहा है, वो गलत काम नहीं कर रहा। पसंदीदा शख्सियत अब्बा ते शाहनवाज, किन्नी गहरी ते ज़र्फ वाली कुड़ी है। मैनू कहंदी सी सिर्फ उनसीयत है मेरे नाल। कदों आया तू, इतलाह नहीं कीती? कमाल है भाजन, भाभी ने मैनू फोन करके सदिया ते तुहानू पता ही नहीं। खैर ते है ना? खैर हां खैर है। काम दी सुना, की हाल चाल? हेलो, शाहनवाज स्पीकिंग। शाहनवाज, मैं समीना बोल रही हूँ। समीना की गल है, सब खैरियत है? तू बड़ी परेशान लग रही है। शाहनवाज, अब्बा जी की तबीयत फिर खराब हो गई है। उन्होंने सारे टेस्ट करा लिए सर ना? हाँ, रिपोर्टा भी आ गई ने। तू फिक्र ना कर, मैं हुने ही आना वहाँ, तो फिर उन्होंने नाल लेके डॉक्टर के कोल चलांगे, ठीक है? नहीं शाहनवाज, उन्होंने हालत इस तरह की नहीं है, सांस लेने च भी बहुत दिक्कत हो रही है उन्होंने। तू फिक्र ना कर, मैं डॉक्टर नूं अपने नाल ही ले आना वा, ओके? की गल है शाहनवाज, तू बड़ा परेशान नजर आ रहा है। अम्मी समीना दा फोन सी, खालू जान दी तबीयत बहुत खराब है, ते मैं डॉक्टर नूं नाल लेके उन्हां दे घर चला वा। अल्लाह खैर करे, चल मैं भी चलनी तेरे नाल। नहीं अम्मी, तुसी आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। चल ठीक है, तू जांदे ही मैनूं टेलीफोन कर दे। जी अच्छा। की गल है, बड़ी देर ला थी मैडम ने? बस मैडम आ रही है। अच्छा, बैठो बैठो। क्या हाल है? बस ठीक है। की गल है, बड़ी देर ला थी? सो रहे सो? कुछ नहीं, बस जरा तबीयत ठीक नहीं सी। तुसी सुनाओ? मैडम आखिर गल की है, असी तीन बारी शूटिंग रखी थी, तुसी नहीं आए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ
और मैं कमर्शियल नहीं कर सकती। जी कमर्शियल नहीं कर सकती, पर क्यों? तुसी साडे नाल वादा कीता है। मेरा तो कुछ प्रॉब्लम है, तुसी ऐसा करो किसी होर नु कास्ट कर लो। शायद तुहानू अंदाजा नहीं तुसी की कह रहे हो, जे ए गल मार्केट विच फैल गई ना तो तुसी किसे दा भी कमर्शियल नहीं कर सकोगे। मन ना कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि मैं शोबिस छड़ रही हूँ। शोबिस छड़ रहे हो, पर क्यों? ए मेरा पर्सनल मामला है। मैडम शायद तुसी भुल गए हो, तुसी 3 साल वास्ते साड़ी कंपनी दे नाल बॉन्ड हो एडवरटाइजिंग काम करन वास्ते, वरना तुहानू एडवांस ते वापस करना ही होएगा, नाल डैमेजेस भी पे करन होंगे। ऐसा करो तुसी अपना एडवांस वापस ले लो और जितो तक डैमेजेस दा सवाल है तुसी कोर्ट चले जाओ। ए तुसी की कह रहे हो, जे तुसी कमर्शियल रिकॉर्ड ना करवाए तो मेरा क्लाइंट मेरे ते मुकदमा कर देगा, मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। ए तुहाडा मामला है। हाँ जे तुहानू एडवांस की रकम वापस चाहिए तो तुसी एग्रीमेंट कैंसलेशन का ड्राफ्ट बना के लिया, ठीक है? गुड नाइट। तुसी चाह ते पी लो। मैं थोड़े जिहा सुपर फिट आदमी पहले कभी नहीं वेख्या। थोड़ी सारी रिपोर्टा बेहतरीन है। स्मोकिंग पहले तुसी कभी नहीं की थी। पैदल तुसी आप डट के चलते हो तो दिल फेफड़े थोड़े जवाना वर्गे है। डॉक्टर साहब इस सह का की मसला है? ये तो तुसी इन्हां कोल पूछो। मैं जानना वो डॉक्टर साहब कि मैनू कोई तिब्बी मसला नहीं, जिंदगी भरती थकान है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਹੁਣ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਕ ਦੀ ਟਿਕ 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 ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾਸੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਨਾਸੂਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਈਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੀਕਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਬਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਬਾਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। Thank you.
बाय। अब्बास मैं कमर्शियल वेख्या, बहुत ही चंगा कमर्शियल बनाया तुसी। मैं तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं इतनी हसीन भी लग सकती। तू तो हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। ऐ तो तुम्हारा हुस्न नजर है सर। कल तुसी अपनी महरूमी के बारे गल कर रहे हो, पर मेरी महरूमी के बारे तो तुसी सोचा ही नहीं। मेरी महरूमी ज्यादा वड्डी है। ओ किस तरह? वेख, तू ते ना घर वेख्या ना घर की खुशी वेखी है, तेनू इन्नी अजियत नहीं होगी। मैं ते सब कुछ वेख चुका है, मैं सब कुछ जानना हूँ। शायद तुसी ठीक कह रहे हो। अच्छा छड़े गल नू, मैं तेनू कुछ कहना चाहना वा। कहो ना। ओ ते तू सुनया ही होगा, माइनस माइनस प्लस होता है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है कि दो महरूम मिल जावे तो दोनों की महरूमी दूर हो सकती है। जी दाविंदा, मैं तैनू घर भी दे सकना ते इज्जत भी नाले मोहब्बत भी, मैं तैनू प्रपोज कर रहा। पर अब्बास ऐ सारी जिंदगी का मामला है, कोई छोटा मोटा फैसला नहीं, थानू सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। दाविदा, मैं जिंदगी का हर फैसला सोच समझ के किया है। तैनू सोचना है ते तू सोच ले। अगर तुसी फैसला किया है तो ठीक ही होएगा, मैंने भी कोई एतराज नहीं। मजा आ गया पापी, घर के खाने की गल ही और होंगी है। ईमान नाल उत्थे स्टेट्स विच फास्ट फूड ते होटल के खाने खा खा के तबीयत आवाजार हो गई सी, अक गया सब। फिरोज भाई, तुसी खाना खाण तो अक गए सी उत्थे? ओ तेरी समझ च गल्लां नहीं आण गईआं। अच्छा पापी दसो मसला की है? दस नहीं है। न्यास तू जा जाके आराम कर, हाजमे लिए चंगा होंदा है। आ खा जाके आओ बैठ। जी हुण दसो किस तरह दसो पुत्र तेनू, केड़े मुंह नाल दसो तेनू, मैं ते कुछ समझ नहीं आ रहा। की गल है भाभी, तुसी चुप क्यों हो गए? केड़े मुंह नाल पुत्र तेरे नाल मैं गल करा? भाभी तुसी ते जानदे हो, तुसी सिर्फ मेरी भाभी नहीं मेरी मां भी हो। जो भी है तुसी खुल के गल करो। ते फिर सुन पुत्र, तेरा भरा दूजा व्याह करना चाहता है। What? हाँ पुत्र, उन्हें इस उम्र विच कोई कुड़ी पसंद आ गई। कुड़ी भाईजान नू पसंद आ गई है? ऐ किस तरह हो सकता है? ये अनहोनी हो गई है फिरोज। नहीं भाभी, तुसी मैनू खुल के दसो की होया है। की दसा पुत्र, मैनू तो समझ ही नहीं आती कि कित्थों शुरू करा तो कित्थे खत्म करा। तू जदों ही अमेरिका गया, तेरे भाईजान का मूड कुछ अजीब अजीब जहा हो गया। Thank you.
की करती पुत्र, मैनू कुछ नजर नहीं आया, तेरे अलावा मैनू कोई नजर नहीं आया पुत्र। वैसे वास्ते तेनू फोन किया। भाभी तुसी उस कुड़ी नू मिले हो? नहीं, मैं उहदी तस्वीर तकी सी। तुसी उह तस्वीर मैनू दिखा सकदे हो? उह तेरे भाईजन कोल। भाभी मैं भाईजन नू समझाण दी कोशिश करांगा। नहीं पुत्र नहीं, हुण उन्हां दी समझ दे विच कुछ नहीं आएगा। पर मैं भी उन्हां नूं कह दित्ता, इस घर दे विच सोकण मेरी लाश ते ही आएगी। नहीं भाभी, मरण तुहाडे दुश्मन, इस घर विच तुहाडी थां ते कोई और औरत नहीं आ सकती। डॉक्टर साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपा जी में प्रॉब्लम किस वजह तो हो रही है। अचानक ही डिग पैंदे ने ते सांस भी उखड़न लग पैंदी है। डॉक्टर साहब तशरीफ रखो। जी डॉक्टर साहब, की वजह हो सकती है? मैनू लगता है कि उन्होंने कोई ताज़ा ताज़ा सदमा झेलिया है। ये उन्होंने गलों तो जहर हो रहे हैं, बल्कि सच तो यह है कि वह जीण की आस ही मुका चुके हैं। तो फिर डॉक्टर साहब, ऐसी सूरत की किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि जी उन्होंने रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए है, क्योंकि उन्होंने आराम की जरूरत है। ठीक कहते हो, एक कम हो जाएगा। घर च उन्हों का बहुत ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने तुम ये एहसास दवाओ कि तुम उन्होंने सख्त जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, ऐसे हकीकत है। उन्हों का मसला फिजिकल नहीं, नफसियाती है। और हाँ, उन्होंने डाइट का खास ख्याल रखना। शुक्रिया डॉक्टर साहब। किसी वेले भी मेरी जरूरत पवे तो फोन कर देना। और डॉक्टर साहब, मैं तुम्हें छड़ आवां। हाँ भी फिरोज जान, थकावट उतरी कि नहीं कुछ? बस भाईजान, थकावट की लैनी है, जेट लैग की वजह नाल नींद डिस्टर्ब जी हो गई है। हाँ ये तो है, पर यार तेन काम विच छड़ के नहीं सी आना चाहिए। बस भाईजान, भाभी का हुक्म से इस वास्ते आना पिया। अकाउंट पैसा ट्रांसफर करवा देता। जी मन पता चल गया सी, पर है तो बहुत ज्यादा ने। ए तो कुछ भी नहीं मेरी जान, और वैसे भी ब्याह दी शॉपिंग करनी होगी। शॉपिंग ते मैं तोड़े नाल ही जाऊंगी। नहीं नहीं, ये किस तरह मुमकिन है? ओए शॉपिंग ना बल ते मैं पता नहीं, तुझे बाजारा च इस तरह फिरना मेरे लिए मुनासिब नहीं। मैं तो सिर्फ तोड़े नाल ही जाऊंगी, तन चंगा लगे या बुरा। अच्छा देखने, मैं तुम दोबारा फोन कर रहा। हाँ भी फिरोज जान, थकावट उतरी कि नहीं कुछ? बस भाईजान, थकावट की लैनी है, जेट लैग की वजह नाल नींद डिस्टर्ब जी हो गई है। हाँ ये तो है, पर यार तेन काम विच छड़ के नहीं सी आना चाहिए। बस भाईजान, भाभी का हुक्म से इस वास्ते आना पिया। तू मैनू एक बार फोन तो करता, मेरे नाल गल तो कर लेंदा। तुसी ठीक कहते हो, लेकिन फोन ते भाभी दियां गल्लां सुन के मैं इन्ना परेशान हो गया कि बस ध्यान ही नहीं रहा। वैसे भाभी ने जो कुछ दस्या वो ठीक है? की दस्या तेरी भरजाई ने? तुसी जानते हो भाईजान मैं की गल कर रहा। अगर यह सब कुछ सही है तो यह ठीक नहीं हो रहा भाईजान। क्यों क्यों ठीक नहीं हो रहा?
तेरी भरजाई ने यो दसिया होगा ना कि मैं दूजा विह कर रहा, तो ये कि बुराई? देखो भाईजान, तुसी मेरे वड़े भरा हो, मेरे तो ज्यादा सियाने हो, एक दुनिया तुहानू अपना मुरशद मनती है, तुहाडे वास्ते यह सब कुछ। देख फिरोज, ये एंटायरली मेरा जाती फेल है, और मैं ये व्याह कर रहे हैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा, यो गल मैं तेरी भरजाई नू ते ताया जी नू समझा दी सी। लेकिन भाजन, पापी नू सब कुछ मंजूर नहीं है, तुसी उना दी इजाजत तो बगैर दूजा व्याह नहीं कर सकते। की गल फिरोज, तू बोला बच्चा? हाय चौधरी हमजा ने आज तक अपना कोई भी फैसला किसी नू पुछ के नहीं किया, ते व्याह वाला फैसला मैं इस औरत को पूछा? मैं कुछ जन मुरीद है भाईजान, भाभी दे नाल नाल मैं भी यही चाहना कि तुसी दूजा व्याह ना करो, प्लीज। देख फिरोज, तू मेरा निका भरा है, ते निका बन के रहो। तुसी ठीक कहंदे हो भाईजान, मैं तुहाडा निका भरा वां, मेरी अकल भी निकी है, निकी जी अकल मैनू यह कहती है कि तुसी कुड़ी दे चक्कर सब कुछ गवा बैठोगे, अपने भरा नू भी। हाँ नादिया, ऐ सना ने इनू स्टूडियो ले जाओ ते इन्हां दा सैशन करा दो। तुसी जाओ। अरे तू ताबिंदा, तू ते दुल्हन है, जन दिन कार गुजार। जदों तुसी ऑफिस दो दिन बाद ही शादी दे आ सकते हो, ते मैं क्यों नहीं आ सकती? अच्छा ये दस, ऐ जिंदगी दा नवा रोल किवें लगा तेनू? बहुत ही चंगा ते बहुत ही नैचुरल, हुण मैनू कोई और रोल करन दी तमन्ना ही नहीं। गल्ला ना कर, हाले मेरी सीरियल का कम बाकी है। ओ ते मैं कराई देंगी बस। अब उस तो बाद सच्ची गल है कि हुन मैनू काम करन दी ख्वाहिश नहीं, लेकिन तुसी कहोगे ते कर लेंगे। की मतलब? मतलब ए बस के सारी जिंदगी मैं घर दी आरजू कर दी रही, जदों मिलिया ते पता लगा के इस तो मत कोई नेमत ही नहीं। तू बोर नहीं होंदी? बोर होने दी फुर्सत ही कदों मिलदी है? घर दी देखभाल सारा काम काज, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं घर दा सारा काम खुद करा। माली दा काम भी? और याद आया मैनु, तू नवे पौधे बहुत चंगे लेते हैं। तुसी ऐ चीजा भी वेखते हो? हुण वेखन लगे हैं, खास तौर ते। हुमा साड़ी शादी च नहीं आई? ओ किवें आ सकदी है? हमजा साहब दे चक्कर च पै के ते ओ सब कुछ भुल गए। मैनु यकीन है ओ जरूर पलट के आवे। ओ क्यों? ताबिंदा हर उरूज नू जवाल है, और ए कानून फितरत दी। ऐ ते हुण चलना भी है कि नहीं? हाँ बिल्कुल चलना, दो मिनट का काम है फिर चलिए। तुसी आओ। अस्सलाम वालेकुम खालू जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बस बेटा। खालू जान, ऐसे दस्तखत करते हो? ठीक ही तो है बेटा, मैं हूँ थक भी तो गया, हूँ तो मैनू आराम करने का भी हक है ना। अब्बा जी, डॉक्टर साहब ने मशवरा दिता है कि तुसी आबो हवा की तब्दीली वास्ते किसी पहाड़ी जगह पर चले जाओ,
मैं तो कहनी हूँ कि चलो असि भी थोड़े नाल चलने। नहीं बेटा नहीं, मैं किधरे नहीं जाना। खालू जान तुसी चले जाओ, थोड़े वाजबात का चैक मैं कलेक्ट कर लाँगा। पैसों का तो कोई मसला नहीं है ना? नहीं बेटा नहीं, पैसों की कोई गल नहीं, पैसे बहुत थे मेरे को, मेरी बच्चियां मेरी बच्ची नहीं ते नाले जगह बदलन नाल या मंजर बदलन नाल की होएगा। दुख का कैंसर ते वजूद दे नाल चिमटिया होया है, किधरे भी जावां जो मर्जी कर लो इहदे कोलों जान तां नहीं छुटेगी। तुसी कैसियां गल्लां करदे हो? छड्डना सुभैदा, मैं किधरे नहीं जाना, किधरे नहीं जाना। अच्छा खालू जान, हुण मैं चलना वा, तुहाडा चैक मिलेगा तो मैं तुहाडे अकाउंट च जमा करा देंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। रब रखा, रब रखा। जुबैदा मेरे नाल एक वादा कर कि मैं जे मैं मर भी जाओ ना तो तू हुमा नूं इतला नहीं करेगी। मैं तो उसको उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, मैं थोड़े लिए दलिया लेके आ रही हूं। समीना दे नाल शादी करन लई तैयार हाँ। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, रशीद सुनेंगे ना ते जी उठेंगे, उन्हां दी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। अम्मी खालू जान की तबीयत बहुत तश्वीशनाक है। की होया उन्होंने? अम्मी मैं ये समझदा वा कि हुमा दे सदमे ने उन्हें ढेर करता है। सदमा ही यहो जिहा, धीआं नूं इन्नी ढिल कदी नहीं देनी चाहीदी। तू यह दस डॉक्टर की कहिंदे ने? की कहना डॉक्टर, डॉक्टर तो वो जख्मों का इलाज करते हैं जिहड़े जिस्म ते लगे होंदे ने, ते जेड़ा सख रूह ते लगा होंदा है उते लाइलाज होंदा है ना। तू सही कह रहा पुत्र, अल्लाह ताला औलाद दा दुख कदे किसी नूं ना वखाए। अम्मी मैं गल कहना चाहना वा तुम्हें हुमा दे बारे च। नहीं अम्मी, तुसी खालू जान तो समीना नू मांग लवो मेरे लिए। की किया तू? जी अम्मी, मैं समीना दे नाल शादी करन लई तैयार हाँ। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, रशीद सुनेंगे ना ते जी उठेंगे, उन्हां दी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। पर अम्मी ये सब कुछ खामोशी ते सादगी दे नाल होना चाहिए था। पुत्तर तू मैनू जिस तरह आखेंगे ना मैं उस तरह ही करांगी। चल बस हुण मैं ए खुशी दी खबर जुबैदा नूं सुना दिया।
नहीं पापी ने, मैनू नहीं लगता कि भाईजन अपना फैसला बदलणगे। मेरी समझ च नहीं आ रहा कि इस उम्रे भाईजन नू हो की गया है। वड्डे सही कह गए ने, बुढ़ापे दा इश्क बहुत खतरनाक हुंदा है। मैनू ते हुण इक्को राह नजर आ रही है। ओ की? उस कुड़ी दा पता करा के उहदा किस्सा ही मुका देना वा। ना पुत्त ना, मैं खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहती। कल तो मैं सोच भी नहीं सकती कि किसी भी वजह नाल तुहाडे दोहां भरावां च ना मुक्कण वाली दुश्मनी शुरू हो जाए। ओ नहीं भाभी नहीं, तुसी फिकर ही ना करो, किसी नूं कनो कन खबर नहीं होवेगी। ओए चलिया, सारिया तो पहला शक ही साढ़े दोहां दे जाणे। और वैसे भी तेरा भरा एडा भोला नहीं। कहिंदे ते तुसी ठीक हो, पर इस मसले का कोई ना कोई हल तो कढ़ना होएगा ना। वो तस्वीर कितने उस कुड़ी दी? वो मैं न्याज नू क्या सी? न्याज? न्याज? जी आप ही आया। हाँ जी। न्याज, वो अखबार लभी जिदे विच उस कुड़ी दी तस्वीर सी। आहो, ऐ देखो। फिरोज, खैर ते है ना? जी पापे, खैर ही है। इस कुड़ी ने तू जानना है? बहुत चंगी तरह जानना हूं मैं इस कुड़ी ने। कौन में? ऐ ते मैं तानू बाद इस दसांगा कि ऐ कुड़ी कौन है। पहले मैं इन्हू दस लवा कि मैं कौन हाँ। अल्लाह खैर करी।